अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुनैना तारिक और आज मैं आई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। मेरी आवाज़ ज़रूर थोड़ी सी चेंज लग रही होगी बिकॉज मैं अभी अभी सो के उठ नहीं सकी। तो टुडे इज़ फ्राइडे, तो मतलब मैंने पहले भी फ्राइडे बाज़ार विज़िट किया था लेकिन कुछ मुझे अच्छा मिला नहीं था बिकॉज आई वॉज लेट। तो गाड़ी के मामले में मेरा दिल टूटने के बाद जब से वो गाड़ी के मतलब पेपर्स जो थे वो डुप्लीकेट थे, तब से मतलब मेरा एक दिल टूट गया और मैं बहुत एनर्जेटिक, मतलब जब इंसान का दिल टूटता है तो वो बहुत एनर्जेटिक हो जाता है किसी चीज़ के लिए। तब मैं गाड़ी लेने के लिए बहुत एनर्जेटिक हूँ। तो मैं जो हूँ वो मैं जाने लगी हूँ जुमे बाज़ार के लिए और मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। वैसे भी मैं फजर पढ़ के सोई थी, आज मेरी छुट्टी भी थी तो इसीलिए मेरे पास टाइम भी है एक, तो गाड़ी भी अच्छी मिल जाएगी होपफुली। और दूसरा और इसी तरह मेरी थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी बाहर को लेके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ थोड़ा सा खाने से बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी है। जो टेबल है उसको रात को मैं कुछ इस हालात में छोड़ के सोई थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी, फिर मैं सो गई थी। कि कल मैंने मटन पुलाव बनाया था अपने लिए, तो ये वैसे पड़ा हुआ है, मतलब मैंने इसमें थोड़ा सा खाया था और ये थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो मैं यही थोड़ा सा इसी पर थोड़ा हाथ साफ़ करूँगी और पुलाव के बाद मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी एज़ यूजल, क्योंकि मैं चाय पीने की बहुत अडिक्ट होती जा रही हूँ, मतलब हो चुकी हूँ और मेरी हालत कितनी बुरी लग गई है। आई नीड टू रेडी क्योंकि मैं लेट भी हो जाऊँगी, मैं उठी भी लेट हूँ तो फिर अब मैं रेडी भी होती हूँ। तो आज मैंने पहनने का फैसला किया अपने ये वाला ड्रेस। ये जो शर्ट है ये मैंने दरान से ली थी, आई थिंक 2000 की या मतलब इतने की मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, एक साल पहले। और इसको मैंने एक मतलब भी नहीं पहना, तो आज मैंने सोचा कि इसको पहनती हूँ। तो इसके साथ मुझे अपना ये एक येलो कलर का ट्रोज़र पड़ा हुआ मिल गया, तो मैंने सोचा कि इसके साथ ये येलो ट्रोज़र चला जाएगा, मतलब इसके साथ पहनते हुए ये मतलब अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैंने वाइट दुपट्टा चूज़ किया है जो मेरे एक और सूट के साथ का है, और मैं ये पहन के देखती हूँ कि ये अच्छा भी लगता है कि नहीं। ये जो ट्रोज़र है इसका कलर थोड़ा हल्का लग रहा है और जूता मैंने इसके साथ यही पहन लिया जो हमेशा मैं पहन के रखती हूँ, मतलब मुझे कोई ओरेंज जूता अपने पास मिला नहीं। तो ठीक है, बस मैं कौन सा किसी शादी पे जा रही हूँ, बस ये एक गुजारा हो रहा है और मैं यही कपड़े आज पहन लूँगी। वैसे भी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और मैंने सर्दियों वाले बाकी कपड़े तो निकाले नहीं हैं, तो ये जो था ये मेरे मतलब कबर्ड में लटका हुआ था। मैं जो हूँ मैं कम्प्लीटली रेडी हो चुकी हूँ, मैंने सिर्फ अपने मुँह पर मॉइस्चराइज़र लगाया है, उसके अलावा मैंने लाइट सा ब्लश ऑन लगा लिया है, लाइनर की थोड़ी थोड़ी चमचे बना ली है और लाइट से कलर की लिपस्टिक लगा ली है। बस एक तो डे टाइम है और दूसरा मतलब ठीक है, बस मुझे ज़्यादा मेकअप करना अच्छा भी नहीं लगता। मैंने भी किसी की भी वो बात सुन ली कि मतलब अगर आप बगैर फिल्टर के खुद को पसंद नहीं करते तो कोई आपको कैसे करेगा, और उसी से इंस्पायर होकर मैंने इतनी बुरी बगैर फिल्टर की वीडियो बना दी। मतलब असल में तो इंसान फिर भी प्यारा होता है लेकिन ये आईफोन के कैमरे में इंसान बिल्कुल ही बुरा लगना शुरू हो जाता है, बट इट्स ओके। मुझे बार बार कॉलों पे कॉलिंग कर रही थी और इससे मैं ऊपर जा रही हूँ, जल्दी जल्दी मैंने लॉक किया है लेकिन हमारी कॉरिडोर की लाइट हमेशा ख़राब रहती है, अब भी ख़राब हुई हुई है, इसलिए मैं थोड़ा इधर आकर वीडियो बना रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि वो मेरा वहाँ बाहर वेट कर रही है। मतलब एक तो मेरे काम के लिए आई हुई है, ऊपर से मैं ही वेट कर रही हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। मैं यही सोचती थी कि मैं इन सीढ़ियों पर इतना चढ़ती हूँ और इतना उतरती हूँ तो मुझे बिल्कुल पहचान हो चुकी है, लेकिन कल शाम को मैं यहाँ से गिरी, मतलब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि स्टेप थोड़ा सा मतलब ऊपर है, मैंने उसको नीचे समझा, मेरा बहुत ज़बरदस्त किस्म का पाँव जो है वो लगा और मैं गिर गई। तो हम कितना भी अरसा कहीं पर घूमते रहे हमें कभी अंदाज़ा नहीं होता उस चीज़ का, या फिर हम ऐसी चीज़ों पर गौर ही नहीं करते कि ये सीढ़ियाँ हैं, ये है वो है। गाड़ी में आके बैठ चुकी हूँ और मतलब मुझे यहाँ पे आगे पता चला है कि मेरा जो कैमरा था वो बहुत गंदा था, इसलिए भी मैं थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। अब मैंने कैमरा साफ़ किया तो काफ़ी क्लियर पिक्चर आ रही है। तो मैंने तो खाना खा लिया था, गर्मी लेकिन जो मेरी फ्रेंड है वो बहुत सख्त भूखी है, उसने कुछ भी नहीं खाया, तो वो कह रही है कि ऐसा करते हैं कि दाल चावल खाते हैं। तो हमने सोचा कि हम हमेशा F10 से दाल चावल खाते हैं, आज हम G8 के जो है वो दाल चावल ट्राई करेंगे। पहले हम दाल चावल खाएँगे उसके बाद हम जुम्मा बाज़ार जाएँगे।
हम जीएट उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने चावल खाने हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रश है गाड़ियों का, मतलब पार्किंग नहीं मिल रही, तो होपफुली कहीं करीब ही पार्किंग मिल जाए और फिर हम जाके ये जहाल चकिया की मशहूर दाल चावल खाएंगे। पिछले 3 मिनट से यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करें कि ये जो मेहरान है ये निकल जाए और हम इस जगह पर गाड़ी पार्क करें, तो क्योंकि हम कहीं दूर नहीं जाना चाहते थे, ये जो मेहरान है ये गाड़ी निकल रही है और हम इस जगह पे अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। ये ऊपर जा रहे हैं फैमिली हॉल की तरफ और ये इनका फैमिली हॉल का सेटअप है, इनका मेन्यू है और साथ में यहाँ पे अचार भी पड़ा हुआ है और ये भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमारी दाल चावल आ चुकी हैं जो कि बहुत टेस्टी लग रहे हैं, इसमें टेस्ट क्या ही शाची की दाल चावल से अच्छे हैं। फ्रेंड ने मुझे ज़बरदस्ती चिकन पीस मंगवा दिया है और साथ में इसकी चटनी आई है और हम वेट कर रहे हैं रोटी के लिए। अच्छा था और उसको पेट पर के खा लिया और अब हम निकलने लगे हैं जुमा बाजार की तरफ। हम जा रहे हैं जुमा बाजार बड़ी रोड की तरफ, हम हाईवे पर आ गए हैं। ये हम पहुंच चुके हैं जुमा बाज़ार, यानी कि ये जो गाड़ियों का जुमा बाज़ार लगता है उस पर हम पहुंच चुके हैं और होपफुली मुझे आज अपने लिए गाड़ी मिल ही जाए। कितनी ज़्यादा गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन मतलब ये बहुत महंगी होती हैं और ये सामने एफएक्स खड़ी है, ये बहुत प्यारी लग रही है, हम जाके इससे बात करते हैं। यहाँ से जो है वो मैंने खरीदे हैं ये वाले चने और ये अंकल इनको घूम रहे हैं, तो ये मैंने लिए हैं 50 रुपीस के चने, ये बहुत टेस्टी होते हैं। हमें रोड के उस साइड पे पार्किंग मिली थी तो इसलिए हमने सड़क क्रॉस की है ये इससे इससे और अब हम ये नीचे जा रहे हैं, ये नीचे सारा जुमा बाजार है जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है। आज जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं दूर दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन हर गाड़ी बहुत ही महंगी मिलती है। जुमा बाजार में आज बहुत सारी गाड़ियाँ थी, कुछ गाड़ियों वालों से हमने नंबर चेंज कर लिया और मतलब कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी जो क्लिक करती और उसकी उसी टाइम पेमेंट करके उसको खरीद लिया जाता, मतलब कुछ अच्छी थी उनके प्राइस ज़्यादा थी या कुछ गाड़ियाँ अच्छी नहीं थी उनकी प्राइस कम थी, तो इसी तरह से था, मतलब कुछ फैसला नहीं हो सका आज के दिन में। अभी जो है एक ओलेक्स पे नंबर था जो कि मतलब तरनोल में गाड़ी थी, उन्होंने कहा था कि आके आप इस गाड़ी को चेक कर लें और वो भी मतलब 3 लाख में मिल रही है, कितने कितने में मिल रही है आई डोंट नो एग्जैक्टली, मतलब मुझे याद नहीं है। तो अभी हम उस साइड पे जा रहे हैं, हमने सोचा कि अभी टाइम है तो हम उस गाड़ी को भी देख लेते हैं, तो हम उसके लिए निकल पड़े हैं। और ये जो रावलपिंडी की ट्रैफिक है वो शाम टाइम बहुत बढ़ जाती है, लेकिन आज फिर भी कुछ कम है। और ये अब हम करनौल की तरफ जा रहे हैं, शाम का टाइम था, बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब ये आसमान प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि एक क्लिप जो है इसका भी ऐड करती हूँ। तो इस तरह जब शाम का टाइम होता है तो ये बहुत अच्छी सी रोशनी आ रही होती है और सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वाली गाड़ी जो थी वो मैं देख के वापस घर आ चुकी हूँ, मतलब घर में इसलिए नहीं आई कि मतलब बस देख के आ गई हूँ, गाड़ी जो थी वो अच्छी थी और पसंद भी आ गई, रीज़नेबल है, तो उसके लिए पैसे लेने आई हूँ और अब उसका एग्रीमेंट करवाने के लिए बाहर जाऊँगी और आज मैंने फाइनली गाड़ी ले ही ली है। टू मच डिसहार्ट नाउ बिकॉज जो गाड़ी है जिससे लेनी थी उसका आईडी कार्ड एक्सपायर था और उसका आईडी कार्ड जो है वो 3-4 दिन बाद आएगा, मतलब जो स्टाफ पेपर वाली था उसने कहा कि इसके ऊपर मतलब नहीं एग्रीमेंट हो सकता, तो सब मैं घर वापस आ गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा सैड हूँ। नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट टू स्लीप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और व्लॉग के साथ।